असल नेक्स्ट हम इसमें ये डिस्कस करते हैं कि हमारे पास इंटरमोलिकुलर फोर्सेज क्या होती हैं इंटरमोलिकुलर फोर्सेज जब हम लिक्विड्स की बात करते हैं तो हमारे जो सिलेबस का पार्ट है उसमें है कि फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड्स तो उन फिजिकल प्रॉपर्टीज में हमारे पास जो है वो इंटरमोलिकुलर फोर्सेज होती हैं उसमें हम देखेंगे की इंटरमोलिकुलर फोर्सेज बेसिकली है क्या और उसमें हमारे पास कौन कौन सी फोर्सेज इन्वॉल्व होती हैं सबसे पहले इसमें हमारे पास वो साइंटिस्ट जिसने इसमें इंटरमोलिकुलर फोर्सेस में अपना नेम प्ले किया है वो हमारे पास है अः जॉन अः दिवान और ये इन्होंने कहा है कि हमारे पास जो मोलिकुलर फोर्सेस होती हैं वो अट्रैक्टिव भी हो सकती हैं और रिपल्सिव भी हो सकती हैं। अट्रैक्टिव हमारे पास वो होती हैं जो कि ओवरऑल जो मोलिक्यूल्स हैं उनको अपनी तरफ खींच रही हो और जो रिपल्सिव वो है जो कि उनको जो है वो एक दूसरे से जो है वो साइड पर दिखे रही हो मतलब रिमूव करी होंगी अवे फ्रॉम इट्स सेल्फ और इसी के नेम्स की बना पे हम इनको जो है वो अभी नेक्स्ट हमारे पास वेंटरवल फोर्सेस भी आएंगी बेसिकली ये हमारे पास जो है वो डच जो है वो पर्सन था जिसने फर्स्ट टाइम पॉस्टुलेट किया है कि इंटर मोलिकुलर फोर्सेज जो है वो हमारे पास डेवलपिंग जो थ्योरी में हमारे पास मेन रोल प्ले करती हैं रियल गैसेस की प्रॉपर्टीज में ठीक है इसके अलावा हमारे पास लिक्विड है उसमें भी इन्वॉल्व होंगी और इसमें हम सबसे तो देखते हैं कि हमारे पास जो वेंटर फोर्सेज हैं वो कौन कौन सी हैं और इसके अलावा हमारे पास जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेज हैं वो कौन कौन सी अवेलेबल हैं अगर हम वनडर वर्ल्ड फोर्सेज की बात करें तो उसमें हमारे पास लंडन फोर्सेज हैं इसके अलावा डायपोल डायपोल फोर्सेज हैं इसके अलावा हमारे पास डायपोल इंडियूज डायपोल फोर्सेज हैं और अगर हम अदर इंटरमोलिकुलर फोर्सेज की बात करें तो उसमें हमारे पास आयन डायपोल इंटरक्शन है और उसके साथ साथ हमारे पास uh, जो है वो आयन इंड्यूज डाइपोल इंटरेक्शन है और नेक्स्ट uh, हमारे पास आ जाता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग ठीक है ये हमारे पास डिफरेंट जो है वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इन्वॉल्व हैं अदर देन वंडरवाल फोर्सेस के और इनको हम अब स्टेप बाय स्टेप करके इनको डिस्कस करेंगे विद द हेल्प ऑफ डायग्राम ये हमारे पास जो है वो लंडन फोर्सेस हैं जिनको हम डिस्पर्सेंट फोर्सेस का भी नेम देते हैं ठीक है और ये बेसिकली हमारे पास अरइज करती हैं फ्रॉम अ टेंपरेरी कि अगर उनमें टेम्प्रेरी तौर पे वेरिएशंस आती हैं और उसकी वजह से हमारे पास जो आइटम्स और मॉलिक्यूल्स हैं जो कि इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी में जो मेन रोल प्ले करते हैं फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास हीलियम आइटम है वन और ये हमारे पास सेकेंड है तो इसमें ये हमारे पास जो इलेक्ट्रोस्टेटिक अट्रैक्शन हैं आइटम्स और मॉलिक्यूल्स के दरम्यान में इनको हम नाम देते हैं लैंडन फोर्सेस या डिस्पर्शन फोर्सेस का और एक टाइम हम हमारे पास ऐसा भी आता है कि जिसमें इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन वो हमारे पास जो है वो डिस्ट्रीब्यूशनिटिकली हो जाती है और हमारे पास उसमें क्या क्रिएट कर देगी हमारे पास कुछ टाइम है उसमें डायपोल क्रिएट कर देगी जिसकी वजह से हम उसको जो है वो डायपोल या फिर हम उसको जो है वो लैंडन फोर्सेज में एड करते हैं और ये बेसिकली हमारे पास जो है वो डायपोल इंट्रोड्यूस करेगा एक साल में जब इंट्रोड्यूस होगा और दूसरे साल में भी फिर वो जो है वो हमारे पास जो नेबरिंग के मॉलिक्यूल्स होंगे साल होंगे ठीक है तो उसमें भी हमारे पास ये डायपोल इंड्यूस करना स्टार्ट करेगा जिसकी वजह से हम उसको बेसिकली क्या कहते हैं कि हमारे पास रिपल्शन कॉल होती है यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास इसका सेंट्रल जो पोर्शन अवेलेबल है और यहाँ पे हमारे पास सेंट्रल पोर्शन अवेलेबल है ठीक है तो ये हमारे पास एग्जाम्पल आ जाती है लैंड एंड फोर्सेज की भी और यहाँ पे ये हमारे पास जो है नियॉन जो है वो भी हमारे पास लैंडन फोर्सेज की एग्जाम्पल है और अगर हम देखें कि हमारे पास जो डिस्पर्शन फोर्सेस है वो बेसिकली कहाँ पे मौजूद होती है तो हमारे पास ऑल मॉलिक्यूल्स मौजूद है चाहे वो हमारे पास पोलर हो या चाहे वो हमारे पास नॉन पोलर हो Polar और पोलर और नॉन पोलर बेसिकली क्या होता है कि अगर हमारे पास सिमिलर दोनों मॉलिक्यूल्स हो तो हमारे पास वो पोलर और अगर डिफरेंट हो तो हमारे पास जो है वो नॉन पोलर में आ जाते हैं नेक्स्ट इसमें हमारे पास जो है वो डिस्पेशन फोर्सेज है वो स्ट्रोंगर होती है मॉलिक्यूल्स में और इसकी वजह से हम इसको जो है वो इजिली तौर पर पोलराइज कर सके विदाउट ऑफ लाइट और इसमें अगर हम देखें कि ये हमारे पास जो है जो लार्जर और हेवियर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एग्जिबिट करते हैं तौर फोर्सेस को क्योंकि ये हमारे पास स्ट्रॉगर होती हैं और एज कम्पेयर टू जो स्मॉलर मॉलिक्यूल्स हैं या फिर लाइटर हैं वो इनको जो है वो एग्जिबिट नहीं कर सकते उनमें हमारे पास दूसरी फोर्सेज मौजूद होंगे जो कि हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे ठीक है तो ये हमारे पास जो है वो नियॉन है ठीक है और इसमें अगर हम देखें तो हमारे पास जो है इसका ऑक्टेट कम्प्लीट है और इसमें हमारे पास जो है वो आ, जो डाइपोल है वो परमानेंट टाइम के लिए बल्कि टेम्परेचर चेंजेस के लिए डिवेलप होगा नेक्स्ट इसमें हमारे पास है कि जो डिस्पर्शन या फिर जो में, ये आ, फोर्सेस हैं उसका हम मैग्नीट्यूड की अगर बात करें तो इसमें बेसिकली हमारे पास जो सिलेंड्रिकल शेप फॉर एग्जांपल है अन पेंटेन तो उसमें हमारे पास जो है वो ग्रेटर सरफेस एरिया अवेलेबल होगा और अगर हम न्यू पेंटेन की बात करें तो उसमें हमारे पास जो है वो सरफेस स्फेरिकल जो उनकी शेप होती है नियोपेंटीन की वो बेसिकली हमारे पास लेसर सरफेस एरिया करेगा क्योंकि वो हमारे पास कंजेस्टेड होगा और इसमें हमारे पास डिस्पर्ड होगा ठीक है नेक्स्ट इसमें हम बात करते हैं कि हमारे पास बेसिकली आ जाता है डायपोल डायपोल फोर्सेस का जिसको हम जो है वो कैम्सम फोर्सेस का भी नाम देते हैं सेम लाइक अगर हम लंदन फोर्सेस की बात करें तो उसमें हम आ, जो है वो डिस्पर्शन uh, फोर्सेस की बात करते हैं और अगर हम डाइपो डाइपर फोर्सेस की बात करें तो उसमें हम नाम देते हैं कैम्सम uh, फोर्सेस का भी नाम देते हैं ये फोर्सेस जो है वो बेसिकली अराइज करती हैं ड्यू टू द अट्रैक्शन या इंटरक्शन द अपोजिटली चार्ज एंड पोलर मोलिक्यूल ठीक है जो हमारे पास पोलर मोलिक्यूल होते हैं उनके जो अपोजिटली चार्ज हैं और उनके दरम्यान में ये फोर्सेज है वो बेसिकली अराइज करती हैं और इस तरह से द ग्रेटर द डाइपोल मोमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स इज ग्रेटर ठीक है और अगर हमारे पास लेसर इज द डाइपोल मोमेंट ऑफ मॉलिक्यूल देन बिकम लेसर इज अट्रैक्शन और हायर रिपल्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ठीक है ये हमारे पास जो बेसिकली फोर्सेस ये हमारे पास दोनों जो है वो पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉजिटिव एंड नेगेटिव और इनके درمیان में डायरेक्शन uh, जैसे हम रिवर्स के और फॉरवर्ड के डिस्कस करते हैं सेम उसी तरह से यहाँ पे डिस्कस कीजिए और अगर हम इसको जो है वो वन प्लेन में कंसीडर करते हैं एक ही उसको लाइन में जो है वो प्लान करते हैं तो उस दौरान में हमारे पास जो है वो अट्रैक्ट uh, करेंगे जो कि हमारे पास नेगेटिव uh, चार्जेस वाले होंगे और जो अपोजिट चार्जेस uh, है वो अट्रैक्ट करेंगे जो सिमिलर चार्जेस है वो हमारे पास रिपेल करेंगे नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास डायपोल फोर्सेस ये हमारे पास वो फोर्सेस होती हैं जो कि ऑपरेट की जाती हैं बिटवीन पोलर मॉलिक्यूल्स ठीक है और उन पोलर मॉलिक्यूल्स के में जिनमें हमारे पास जो है वो परमानेंट डायपोल क्रिएट होगा और इसके अलावा उन मॉलिक्यूल्स के दरम्यान में जिनमें हमारे पास जो है वो पोलर सॉरी परमानेंट जो है वो डायपोल क्रिएट नहीं होगा और इस तरह से एक तरफ हमारे पास जो है वो परमानेंट डायपोल आ जाएगा और एक तरफ हमारे पास जो है वो नॉन परमानेंट जो है वो डायपोल आ जाएगा विद वजन दोलर मोलिक्यूल्स तो उस दौरान में ये जो हमारे पास पोलर मोलिक्यूल्स के दरम्यान में डायपोल इंड्यूज हुआ है वो हमारे पास बेसिकली जो नेबरिंग नॉन पोलर मोलिक्यूल है उसमें भी इंड्यूस करने की कोशिश करता है लेकिन वो हमारे पास कंप्लीटली तौर पे उसमें जो है वो इंड्यूज नहीं होता जिसकी वजह से हम इसको जो है वो डायपोल इंडियूज डायपोल फोर्सेज का नाम देते हैं और ये बेसिकली हमारे पास जो है वो एनर्जी डिपेंडेंट होते हैं जो डायपोल मूवमेंट बेसिकली uh, वो हमारे पास उसमें जो है वो एनर्जी होती है जो कि उसको आपस में और एक दूसरे से अट्रैक्ट और हेल्प करते हैं इसके अलावा हमारे पास जो ऑक्सीजन गैस है उसको हम डिजोल्व किया जाता है वाटर में और इस तरह से वो फिर हमारे पास क्या करेगा कि उसमें हमारे पास बिकॉज ऑफ परमानेंट डायपोल इन वॉटर जो है वो कैन इंडियूजर डायपोल इन ऑक्सीजन परमानेंट वाटर में डायपोल इंड्यूस होने की होने की वजह से वो हमारे पास इंड्यूस किया जाता है ऑक्सीजन में इसके अलावा हम अगर वाटर की एग्जांपल देखें तो हम उसको हाइड्रोजन बॉडी में भी डिस्कस करते हैं इसके अलावा हमारे पास जो है वो नॉन पोलर आयोडीन जो है वो करती है बेसिकली इन पोलर एथेनॉल जो है वो सोल्यूशन uh, uh, में मिक्सचर में ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डायपोल इंड्यूस डायपोल फोर्सेज ठीक है इसमें से एक हमारे पास जो है वो अः डायपोल होगा और एक हमारे पास जो है वो इंड्यूज होगा जिसमें डायपोल क्रिएटेड होगा वो सेकंड वाले में इंड्यूस कर रहा होगा डायपोल को जिसकी वजह तो हम इसको डायपोल इंड्यूज डायपोल फोर्सेस का नाम देते हैं नेक्स्ट इसमें हमारे पास आ जाता है कि इंटरैक्शन इंटरेक्शन बेसिकली डिपेंड करती है हमारे पास चार्ज और साइज पे कि इनका साइज जो है वो बेसिकली कितना है और इसके अलावा उसका चार्ज कितना है और आया वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है नेक्स्ट इसमें हम देखते हैं कि जो डायपोल मूवमेंट है बोलर मॉलिक्यूल की उसके मैग्नीट्यूड पे भी डिपेंड करता है कि हमारे पास जो ओवरऑल इंटरेक्शन होती हैं चार्ज और साइज पे डिपेंड करने के अलावा उसके मैग्नीट्यूड पे भी डिपेंड करती हैं। इसके अलावा हमारे, हाँ, हमारे पास हाइड्रो हाइड्रेशन ऑफ सोडियम आइंस जी हमारे पास सोडियम आइन्स अवेलेबल है और इनकी जब हम देखें कि हाइड्रेशन हो रही होती है तो वो भी हमारे पास डायपोल फोर्सेस का वर्क परफॉर्म कर रहे होते हैं नेक्स्ट इसमें हम देखेंगे कि क्लोरीन के अकॉर्डिंग के हाइड्रेशन ऑफ क्लोराइड आइंस ठीक है तो जो क्लोराइड आइन्स होते हैं बेसिकली उनमें भी जो हाइड्रेशन की जाती है उसको भी हम डायपोल इंडियो डायपोल फोर्सेज में ऐड करते हैं ठीक है नेक्स्ट इसमें आ जाता है कि हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमारे पास वो आ जाती है जो कि हमने अदर uh, देन जो इंटर फोर्सेस उनको डिस्कस करते हैं ये हमारे पास जो बेसिकली इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है कि हमारे पास पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस के दरम्यान में क्रिएटेड होती है और uh, इसके साथ साथ ये हमारे पास जो है वो कोवलेंटली बाउंडेड होती है ठीक है इसमें जो आइटम होता है वन मॉलिक्यूल uh, का जो आइटम होता है जिसको हम हाइड्रोजन आइटम कहते हैं वो अदर मॉलिक्यूल का जो आइटम होता है ऑक्सीजन जिसको हम इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम कहते हैं उसके साथ कोवलेंटली बाउंडेड होता है नेक्स्ट इसमें हम देखें कि हमारे पास कंडीशंस क्या होती हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग को फॉर्मेशन के लिए अच्छा इसमें मैंने आपको पहले बता दिया कि वो इलेक्ट्रोस्टेटिक जो है वो अट्रैक्शन uh, होती है हमारे पास मॉलिक्यूल्स uh, की uh, हमारे पास वो हाइड्रोजन आइटम जो के अटैच होती है टू द रिलेटिव इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम वो हमारे पास बेसिकली क्या कहलाता है कि हाइड्रोजन बॉन्ड डोनर कहलाता है ठीक है जो कि उसके साथ अटैच हो गया इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ इसके अलावा जो इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम है वो मोस्टली हमारे तौर पे हमारे पास कौन से होते हैं कि फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन और ये जो हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम्स है ये बेसिकली हमारे पास वर्क करते हैं एज ए हाइड्रोजन बॉन्ड एक्सेप्टर के तौर पर नेक्स्ट इसमें आ जाता है हमारे पास इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग और इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग

ठीक है जो कि हमारे पास पॉजिटिवली चार्ज होता है इसके अलावा इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम जो कि हमारे पास जो है वो हाईली नेगेटिवली चार्ज होता होता है है और ये हमारे पास प्रेजेंट डिफरेंट बॉन्ड्स की फॉर्म में और ये हमारे पास विद इन द सेम मॉलिक्यूल प्रेजेंट प्रेजेंट होगा होगा और ये हमारे पास जो है वो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स में इंटर inter, मतलब इंटरफेयर करना मतलब इसमें आ जाता है कि डिफरेंट के दरम्यान में नेक्स्ट इसमें आ जाता है हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्ड ये हमारे पास है बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया ठीक है इसके अलावा हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होता है वाटर में इसके अलावा अल्कोहल में और अगर हम बात करें इंट्रा इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की तो उसमें हमारे पास आ जाता है आ, उस, आ, सिलेसिक, जो है है वो बेसिकली एल्डिहाइड एंड नाइट्रोबेंजोइक एसिड ठीक ये हमारे पास एग्जांपल्स हैं इंट्रा और इंटर इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग्स की यहाँ पे हाइड्रोजन में जो है सॉरी वाटर में जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग को रिप्रेजेंट किया गया नेक्स्ट इसमें आ जाता है कि हमारे पास हाइड्रोजन और फ्लोरीन जो है वो बेसिकली जिसमें हमने डिस्कस किया था कि सॉलिड स्टेट में क्या होता है कि हाइड्रोजन फ्लोरीन जो कि जो है वो हमारे पास जिग जैक फैशन में प्रेजेंट होती थी है ठीक है और उसके दरम्यान में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है और यही हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है फ्लोरिन और हाइड्रोजन को आपस में कनेक्टेड करती है और इसके साथ साथ हम इसमें यह देखते हैं कि गैसेस और लिक्विड स्टेट में क्या होता है कि ये जो चेन होती है हमारे पास जिग जैक होने की बजाय हमारे पास जो है वो लीनियर हो जाती है बट उसमें भी हमारे पास जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होगी अच्छा नेक्स्ट इसमें हम है ये देखते हैं कि हमारे पास जो एल्कोहल होते हैं एल्कोहल बेसिकली हमारे पास उनमें ज्यादा विजिबिलिटी होती है वाटर में जो है वो डिस्पर्स होने की और इसके साथ साथ हम उसमें ये देखते हैं कि वो बेसिकली हमारे पास जो है वो मिसिबिलिटी जो है हमारे पास जो है वो वाटर में क्यों होती है ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ इंटर मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड ठीक है तो उनमें हमारे पास इंटर मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी बिटवीन वाटर एंड एल्कोहल मोलिक्यूल्स नेक्स्ट uh, यहाँ पे यह हमारे पास जो है वो डिफरेंट एग्जाम्पल दिखाएंगे सी एच फोर और इसके अलावा एन एच थ्री एच एफ एन एच टू वाटर के दरमियान में और इसके अलावा अदर मॉलिक्यूल्स जिनमें हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग मौजूद है किसमें हमारे पास सबसे हाईएस्ट है और किसमें हमारे पास जो है वो टाइम के साथ साथ डिक्रीज हो रही है <coughs> अच्छा नेक्स्ट इसमें हमारे पास जो है वो जो एक हमारे पास अः uh, भी भी uh, कम है या फिर ज्यादा और वो जो हमारे पास अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी तो उसमें हमारे पास जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है उसके स्ट्रॉन्गर होने के चांसेस भी ज्यादा इसके अलावा हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो बेसिकली हमारे पास किस लिए कॉज होती है क्योंकि इसमें जो हायर बॉइलिंग पॉइंट होता है एथेनॉल का उसको हम कंपेयर किया जाता है जो एथाइल इधर से इसके अलावा उसकी विस्कोसिटी है लाइक सल्फ्यूरिक एसिड और ग्लेट्रोल है उसकी विस्कोसिटी को चेक किया जाता है इसके अलावा वाटर जो है वो अगर लिक्विड स्टेट में हो ठीक है और इसके अलावा जो एस हाँ, एस जो है वो हमारे पास गैसे स्टेज में तो ये हमारे पास वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसके अलावा हमारे पास है डायमराइजेशन कि उसमें जो है वो डायमर बनने की अवेलेबिलिटी जो है वो मौजूद होती है नहीं यहाँ पे ये हमारे पास जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है और ये हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस हैं और नेक्स्ट इसमें हमारे पास जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग सी एच सी एल थ्री में के इसमें क्या होता है कि हाइड्रोजन जो है वो अटैच होती है कार्बन के साथ और वो पार्टिसिपेट करती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद द कार्बन आइटम टू द अदर मॉलिक्यूल और जो कि हमारे पास जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम्स होते हैं और वो हमारे पास मोस्टली तौर पर इसमें होंगे क्लोरोफॉर्म में होंगे ठीक है सी एच सी एल थ्री में द इलेक्ट्रोन नेगेटिव जो आइटम होता है वो अट्रैक्ट करता है हमारे पास कर, जो बेसिकली पॉजिटिव हाइड्रोजन साइड पे कार्बन अवेलेबल होगी और इस तरह से वो हमारे पास जो है वो क्लाउड है उसको डिसेंट्रलाइज करेगा ठीक है डिसेंट्रलाइज करने के बाद हमारे पास जो आइटम होते हैं जो कि पॉजिटिव जो है वो पार्शल चार्जेस रखते हैं वो हमारे पास लीव कर देते हैं ठीक है उसमें डिसेंट्रलाइजेशन होने की वजह से उनके जो पार्शल पॉजिटिव चार्जेस हैं वो रिमूव होना स्टार्ट हो जाते हैं रिड्यूस होने लग जाएंगे और इस तरह से जो हमारे पास स्मॉल साइज हाइड्रोजन का होता है एज कम्पेयर टू अदर आइटम्स और मॉलिक्यूल्स के तो रिजल्टिंग चार्ज भी हमारे पास जो है वो कम होगा और इसके अलावा जो हमारे पास रिप्रेजेंट करेगा लार्जर डेंसिटी को ठीक है लार्जर चार्ज डेंसिटी को और इस तरह से जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो हमारे पास डिवेलप होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ जो है वो चार्ज डेंसिटी ठीक है यही हमारे पास है साइज चार्ज डेंसिटी है डायमराइजेशन है तो उसके अकॉर्डिंग नेक्स्ट हमारे पास हो जाता है इंटर इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंट्रा इंट्रामोलिक्युलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में हमने दो डिस्कस की थी कि एक हमारे पास जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक्स करती है विद इन द मोलिकूल एक ही मोलिक्यूल होगा ठीक है जिसको हम इंट्रा इंट्रामोलोलोलोिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहेंगे इसमें हम देखते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन टू ग्रुप्स ऑफ सेम मोलिक्यूल जो कि एक दूसरे के साथ लिंक होते हैं विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड ठीक है इसमें हमारे पास जो है वो मोस्टली तौर पे फाइव और सिक्स मेंबर जो, वो रिंग जो पार पार है रिंग स्ट्रक्चर बनता है जो कि हमारे पास स्टेबल स्ट्रक्चर कहलाता है फर्स्ट पे हमारे पास आ जाता है कि ओ क्लोरो फिनोल और इसके अलावा हमारे पास जो है वो सैलिसाइल जो है वो हमारे पास एल्डिहाइड इसके अलावा हमारे पास नेक्स्ट पे जाता है एथाइल एसीटो एसीटेट इसके अलावा हमारे पास आ जाता है एसिटाइल एसीटोन ठीक है ये हमारे हमारे पास पास जो 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 है 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 वो 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 बनता जो कि stability के साथ साथ को भी show करता है। इसके अलावा उनमें भी मौजूद होती है क्यों क्योंकि उसमें हमारे पास जो है वो सेम मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होता है जिसमें क्यूं? हमारे पास जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होगी इन द फॉर्म ऑफ रिंग और इस तरह से वो हमारे पास जो स्ट्रक्चर होता है वो हमारे पास एक क्रैप्स लाइक स्ट्रक्चर जो है वो डेवलप होता है जो कि इंट्रा इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग को शो करता है ठीक है जिसमें हमारे पास नाइट्रोबेंजो एसिड है इसके अलावा हमारे पास जो है वो नाइट्रोबेंजोल डीहाइड है और इसके अलावा हमारे पास जो है वो माइनो एल्कोहल है ठीक है नेक्स्ट इसमें हम ये डिस्कस करते हैं कि हमारे पास जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग uh, जो डीएनए मॉलिक्यूल है वहां पे भी हमारे पास मौजूद होती है ठीक है डीएनए का जो स्ट्रक्चर है उसमें हमारे पास डिफरेंट नाइट्रोजन बेसिस अटैच होती हैं तो उसमें भी हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है लाइक like, अगर आप देखें कि तो ये हमारे पास जो है वो स्ट्रैंड है जिसको हम डबल स्टैंडर्ड का नाम देते हैं जो कि आपस में एक दूसरे के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग अटैच है ये हमारे पास जो है वो बेसिस है लाइक एडनिंग एंड था और साइटोसिन एंड ग ठीक है और इस तरह से ये जो इनके दरम्यान आपको ये जो डॉटेड स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं ये हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग है फॉर एक्साम्पल अगर हम जियोसिन और साइडोसिन की बात करें तो इनमें थ्री हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं और इसके अलावा अगर हम Adenine और Thiamine की बात करें तो इसमें हम थु थु है है हमारे पास टू हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं और यही हाइड्रोजन बॉन्ड जो है ये हमारे पास ओवरऑल एक स्ट्रैंड जो है वो उसको आपस में कनेक्टेड रखते हैं अगर हमें इन हाइड्रोजन बॉन्डिंग को ब्रेक करना होता है तो उसको हमने हीट जो है वो ज्यादा प्रोवाइड करेंगे तो इस दौरान ये ब्रेक करके एक दूसरे सेपरेट हो जाएंगे ठीक है अगर हम इनको यूटिलाइज करना होता अब इसके अलावा जो हमारे पास सेकेंडरी जो स्ट्रक्चर होता है बेसिकली प्रोटीन्स का जो कि सेकेंडरी स्ट्रक्चर कहलाता है उसमें भी हमारे पास जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग मौजूद होती है अच्छा उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो टू फॉर्म्स में मौजूद होती है एक हमारे पास जो है अल्फा हेलिक्स की फॉर्म में मौजूद होती है जो कि आपको स्ट्रक्चर में लाइक डबल हेलिकल स्ट्रक्चर उसमें नजर आ रही है और इसके अलावा एक हमारे पास जो है वो बी प्लेटेड शीट में शीट में भी प्रेजेंट होती है जिसको हम बी प्लेटेड शीट कहते हैं जो कि हमारे पास सेकेंडरी स्ट्रक्चर प्रोटीन में बेसिकली हाइड्रोजन बॉन्डिंग को शो कर रहा है इसके अलावा हमारे पास ये केज लाइक -like जो स्ट्रक्चर होता है वाटर मॉलिक्यूल का इन uh, आइस वो भी हमारे पास प्रेजेंट होता है और इस तरह से जो हमारे पास आइस की डेंसिटी होती है वो उसको लोअर करता है क्योंकि उसमें जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो हमारे पास इंक्रीज होती जाती है टाइम टू टाइम जैसे उसकी हमारे पास आइस uh, जो है वो सॉलिड में चेंज होना स्टार्ट होती है ठीक है नेक्स्ट इसमें हमारे पास जो है वो यूनिक नेचर वाटर की किस तरह से है क्योंकि उसमें हमारे पास जो है वो केज लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जैसे पिंजरे वगैरह होते हैं जिसमें हम पिंजरे वगैरह अदर देन पोल्ट्री प्रोवाइड करते हैं तो उनका स्ट्रक्चर जो है वो हमारे पास इस तरह से होता है और सेम इसी तरह से अगर हमारे पास आइस मेल्ट हो जाती है तो ये केज लाइक -like जो स्ट्रक्चर होता है वो भी ओवरऑल डिस्ट्रॉय होने के बाद लिक्विड में चेंज हो जाता है और इस तरह से हमारे पास जो है वो वॉल्यूम डिक्रीज होगा वॉल्यूम डिक्रीज होने के साथ साथ हमारे पास जो डेंसिटी होती है, जो है, जो है वो इंक्रीज हो जाती है और ये हमारे पास जो है वो वाटर मोलिक्यूल है ऑरेंज कलर के ठीक है और ये जो आपको डॉटेड लाइन नजर आ रही है ये हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ठीक है थीके? जो एक दूसरे के साथ हम कनेक्टेड uh, है इन द फॉर्म ऑफ जो है वो केज लाइक स्ट्रक्चर तो उसको हम स्टेबल हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं एज कम्पेयर टू जो कि ब्रेक होना स्टार्ट हो रही है ठीक है वो हमारे पास जो आइस मैल्ट हो रही है तो उसमें हमारे पास ये अनस्टेबल हाइड्रोजन बॉन्ड्स प्रोड्यूज होते हैं जो कि हमारे पास आइस से जो है वो लिक्विड में चेंज होना स्टार्ट करता है ठीक है और ये हमारे पास मोस्टली तौर पर आइस की जो डेंसिटी वो लोयर होती है आ, देन वाटर एट जो कि हमारे पास स्टैंडर्ड हैलवन टेम्परेचर होता है और यहाँ पे हमारे पास जो है वो ओवरऑल समराइज किया गया है कि हमने कितनी फोर्सेस पढ़ी हैं ठीक है इंटर जो मोलिकुलर फोर्सेस है उनको हमने वन बाय वन करके यहाँ पे डिस्कस किया कि आयन डायबोल में क्या होता है कि आयन चार्ज होता है और एक तरफ हमारे पास डायपोल चार्ज होता है ठीक है आयन और ये हमारे पास डायपोल जो है क्रिएटेड है

फोर्सेस uh, की बात करें तो लंदन फोर्सेस में हमारे पास जो है वो होते हैं। और रिपल्शन नेक्स्ट uh, यहाँ पे हमारे पास जो है हाई हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन बॉडी के, हाँ 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 के, के केस में किसकी होती है नाइट्रोजन ऑक्सीजन और फ्लोराइड की और यहाँ पे इनका एनर्जी वगैरह है इसको देख लीजिएगा यहाँ पे एग्जाम्पल है इनकी यहाँ पे उन्होंने जो है वो डायग्राम बनाई है और डायग्राम बना के उन्होंने जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग को शो किया है लाइक यहाँ पे ठीक है यहाँ पे आपके पास है और इसके अलावा यहाँ पे आपके पास अवेलेबल है यहाँ पे है इसके अलावा यहाँ पे आपके पास अवेलेबल है ये डिफरेंट एग्जाम्पल हैं आपके पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग की और इसके साथ साथ इंटर मोलिकुलर फोर्सेस की जो कि हमारे पास बेसिकली क्या है ये हमारे पास जो फिजिकल करेक्टर्स uh, होते हैं हमारे पास लिक्विड्स के और गैसेस के तो ये हमारे पास इसमें आ जाते हैं है, ये आपके पार्ट सिलेबस का पार्ट है तो इसको आप एक नज़र देख लीजिएगा